नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में दिवंगत विधायकों को दी गई श्रद्धांजलि, सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित, कार्य मंत्रणा समिति की हुई बैठक। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने दिया इस्तीफा, कहा 7 साल हो चुके हैं, अब किसी अन्य महिला साथी को मिले मौका। और छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने, पहली बार गेड़ी चढ़े अरुण साव, कांग्रेस ने कहा मुख्यमंत्री ने उन्हें मजबूर किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायक विद्यारतन भसीन और पूर्व कैबिनेट मंत्री भानु प्रताप सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, अजय चंद्राकर, मोहन मरकाम, बृजमोहन अग्रवाल, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने भी दिवंगत विधायक विद्यारतन भसीन और पूर्व कैबिनेट मंत्री भानु प्रताप सिंह को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विद्यारतन भसीन का स्वास्थ्य खराब था तो मैं उनसे मिलने अस्पताल गया था। वह बिल्कुल सहज थे और बातचीत भी कर रहे थे। यह नहीं लगा कि किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जबकि ब्रेन में कैंसर पहुंच चुका था। बीमारी बहुत गंभीर थी लेकिन उनका व्यवहार सहज था। भसीन के जाने से विधानसभा को जो क्षति पहुंची है उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व कैबिनेट मंत्री भानु प्रताप को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने रायगढ़ कला संस्कृति की परंपरा को आगे बढ़ाया, उसके साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी लगातार सक्रिय रहे, इंटक में भी मजदूर संगठन से जुड़े रहे। सीएम ने कहा कि दोनों नेताओं के जाने से छत्तीसगढ़ को वो क्षति हुई है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फूलो देवी नेताम ने राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नेट्टा डिसूजा को अपना इस्तीफा भेज दिया है। राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने इस्तीफे में लिखा है कि मुझे छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर काम करने का मौका मिला, समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस के सभी महिलाओं की आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, जिनके सहयोग से ही मैं अपना कार्यकाल सम्पन्न कर चुकी हूँ। फूलो देवी नेताम ने आगे लिखा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा के पद पर मुझे 7 साल हो चुके हैं और मेरा यह मानना है कि इस पद पर अब किसी अन्य महिला साथी को काम करने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए फूलो देवी नेताम ने छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से खुद को कार्यमुक्त करते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया है। छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। भाजपा कार्यालय में हरेली त्यौहार मनाया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पहली बार गेड़ी पर चढ़े। महिला नेताओं ने हरी साड़ी पहनकर डांस किया और छत्तीसगढ़ी पकवान भी परोसे गए। भाजपा के आयोजन को लेकर कांग्रेस ने कह दिया कि यह जो सब हो रहा है वो इस वजह से क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि अगर कांग्रेस के लोग ऐसा सोचते हैं तो ये उनका अहंकार है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता हमेशा से समृद्ध रही है। छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है। इस हरेली त्यौहार से छत्तीसगढ़ में त्योहारों की शुरुआत होती है जो कि किसान को समर्पित त्यौहार है। हरेली त्यौहार भूपेश बघेल के आने के बाद मनाया जा रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भूपेश बघेल को भ्रम हो गया कि छत्तीसगढ़वासी उनके आने के बाद हरेली मना रहे हैं। यह उनका अहंकार है जो अब आने वाले समय में टूट जाएगा। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता समृद्ध रही है। हमेशा से लोक पर्व, लोक संस्कृति का ध्वज वाहक रहा है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है। हरेली त्योहारों की शुरुआत है, किसान को समर्पित ये त्योहार है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, किसान भाइयों को हरेली की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से आए संविदा कर्मचारियों ने हरेली त्योहार पर गेड़ी चढ़कर जेल भरो आंदोलन शुरू किया। नवा रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल पर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन पिछले 15 दिनों से जारी है। सभी कर्मचारियों ने जेल भरो आंदोलन के लिए रैली निकाली।
नवा रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल से जेल भरो आंदोलन के लिए निकले कर्मचारियों को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया। बड़े मैदान को ही अस्थायी जेल बनाया गया और कर्मचारियों को रखा गया। कर्मचारी संगठन का दावा है कि 20,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों ने गिरफ्तारी दी है। संविदा कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन देने प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी पहुंचे। नारायण चंदेल ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में कर्मचारियों की मांग सदन में रखी जाएगी और कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा विधानसभा में उठाया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।